रैली के संदर्भ में आपने समझा, रैली को लेकर हमारे मेहमानों के जो नजरिए हैं वो भी आपने देखे और जाने, लेकिन ममता का भरोसा क्या मुसलमानों से हटा है? क्योंकि हम टिकट की बात कर रहे हैं, किसको तरजीह मिल रही है इसकी बात करते हैं, और जैसे ही टिकट्स सामने आती हैं कि किसको कितने मिले, सबसे पहले निगाह इस पे जाती है कि कितने माइनॉरिटी को कितनी तरजीह मिली, महिलाओं को कितनी तरजीह मिली, और उस हिसाब से आप देखिए टीएमसी में क्रमशः अगर मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करें तो टिकट पहले से घटी है। देखिए महिला उम्मीदवार बढ़ी हैं पहले से, इसकी वजह यह मानी जा रही है कि 49% जो वोट है वहां पर महिलाओं को उसको अपनी तरफ करने की कोशिश है। दूसरी बात यह है कि 114 नए चेहरे इसमें यह दिखाई देती है, देता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी चिंता है, इसीलिए चेहरे बदले गए हैं ताकि चेहरों से जो गुस्सा है वो कम हो सके, या वहां से हटाकर दूसरी जगह से लड़ाए जा रहे हैं लोग जिनको एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हटाया नहीं जा सकता था। और तीसरी बात आप यहां पर यह देखिए कि मुस्लिम उम्मीदवार पहले के मुकाबले घटे हैं, ये तीन हाईलाइट्स हैं तृणमूल कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है उसकी। मुस्लिम कैंडिडेट कैसे घटे हैं देखिए, 2011 में जब पहली बार सत्ता में आई ममता बनर्जी तब उन्होंने 28 लोगों को टिकट दिए थे, 2016 में उन्होंने 57 सबसे ज्यादा, और ये अभी तक की सबसे ज्यादा अभूतपूर्व उनके नंबर्स के हिसाब से जीत भी थी, 2021 में लेकिन उन्होंने ये नंबर कम कर दिया है, 42 को टिकट दिए हैं। क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी ये है? प्रशांत किशोर ने यह समझाया होगा कि ध्रुवीकरण चल रहा है, अगर आप ज्यादा कैंडिडेट्स को मुस्लिम टिकट देंगी तो उसका यह नतीजा हो सकता है कि दूसरी तरफ काउंटर पोलराइजेशन हो और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं के वोट ज्यादा मिल जाए, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा कि यह ज्यादा ना होने पाए। लेकिन कितना कम है, कितना ज्यादा है, कितना संतुलित, यह कैसे तय किया जाएगा? क्या ममता को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का डर है क्या? आइए अब इस बात को समझते हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब, देखिए आप लोग फिर अपने चैनल पे हिंदू मुसलमान की बातें ले आए तो मैं जरूर कहूंगा इस बात पे, हमारा ये कल्चर नहीं है बंगाल का कि हिंदू मुसलमान करने का, राजनीति करने जब हम आते हैं तो धर्म को अलग से रख देना चाहिए, क्योंकि धर्म और राजनीति एक साथ मिलाकर वो भारतीय जनता पार्टी करती है और वो कर रही है, उनका काम है, मेरा काम राजनीति करना है, धर्म को अलग है, धर्म सबका अपना अपना होता है, किसी अपने का ये राजनीति नहीं है, किसी एक का राजनीति नहीं है, धर्म हम करें ना, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर फिर राजनीति में अगर धर्म की बात आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को याद आ जाता है कि वही लोग करते हैं, और उसी तरह से आप मैं समझूंगा कि आप भी लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बातों को आपने आरोप लगा दिया, लेकिन मैं पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने कैंडिडेट्स जारी किए हैं इसमें जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कितनी माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के कितने लोग हैं, महिलाएं कितनी है, ये इत्तेफाकन हो गया? इसके लिए कुछ आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं की है, इसको लेकर आपने कोई वहां पर बैठकर चर्चा नहीं की, एक लिस्ट निकाली है कैंडिडेट्स की, उसमें अपने आप जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे मतलब निकाले जा रहे हैं, असल में आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि इलेक्शन का दौर हमेशा आता है, पार्टी में अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी बात का सीधे जवाब दे देते खालिद अब्दुल्ला तो ज्यादा स्पष्ट चीजें समझ में आती हैं। आपने एक आरोप लगाया, मैंने आपसे एक सवाल पूछा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।